अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। तो आज आपको बताते चलें आज के व्लॉग में क्या सीन होने वाला है। आज हम जा रहे हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री का क्या सीन होने वाला है। हम बस स्टॉप पे जाएंगे, वहाँ से अगर हम बस पे बैठ गए हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप होगा कि बस की चेकिंग ना हो गेट पे। थर्ड स्टेप हम उतर जाएंगे बस से, मतलब कि यूनिवर्सिटी में एंट्री हमारी हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। नहीं जी, बस में बैठ चुके हैं। यही एक रास्ता था यूनिवर्सिटी में इंटर होने का। सैम भाई भी हमारे साथ हैं। सैम भाई इंटर होने पाएंगे आगे के लिए? हो जाएंगे, स्टार्टिंग कुछ नहीं होता। चलें चेक करते हैं ना। बस में तो बैठ के यहाँ पे तो नहीं पूछा क्या सीन है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, फाइनली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। साहिब भाई ने हमें इंटर करवाया। आपको सारी स्टोरी बताते हैं। वो ऊपर बसेस खड़ी हैं, वहाँ से उतर के हम इस जगह नीचे ग्राउंड में आ गए। इनका क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे आ गए। अब आपको सीन सारा बताते हैं क्या हुआ है, क्योंकि व्लॉग में बनाना नहीं चाह रहा था उस टाइम, क्योंकि नज़रों में किसी के आना नहीं चाह रहा था। अब मैं मोबाइल ऐसे करके व्लॉग बना रहा होता तो अलग सा नज़र आ रहा होता, तो फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उन्होंने मुझे चेक करना था। साहिब भाई ने हमें एक आइडिया दिया था कि किसी की नज़र में नहीं आना, अगर किसी की नज़र में आप आ गए तो आप पकड़े जाओगे। बस नया बच्चा बन के बैठा है ये। मैं आराम से, आज नए बच्चे भी आए हैं, तो इस वजह से ये सारे समझ रहे थे नया बच्चा है। इस वजह से मैं बिल्कुल आराम से बैठा रहा हूँ भाई। कोई मैंने मोबाइल नहीं उठाया, बिल्कुल शरीफ की तरह, शरीफों की तरह बैठा रहूँ। तो बाकी ये देखे इनका, सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड में हम आए, वहाँ पर बसेस खड़ी हैं, वहाँ से उतर के सीधा इस ग्राउंड में आ गए। बाकी सारी स्टूडेंट्स अपने कैंपस वगैरह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड में आ गए। कुछ लड़के वहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी हम अभी देखते हैं आगे यूनिवर्सिटी में क्या कुछ सीन है। उसके इधर नीचे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, और आगे मेरे ख्याल से टेबल टेनिस है। सही, टेबल टेनिस की तरफ चलते हैं पहले, अगर ओपन हुआ वो भी खेलते हैं। यूनिवर्सिटी इंटर हो गया मैम, बड़ा सीन बना है। रवाल से बैठा हूँ, वहाँ से चेकिंग नहीं हुई मेरी। मैंने कहा इंशाल्लाह आज यूनिवर्सिटी अंदर जाना है तो जाना है, तो फिर अभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने देखा है लेकिन चेक वगैरह नहीं किया, पूछा कुछ नहीं है। तो बस उतरे सीधा नीचे, और अब किसी की नज़रों में कुछ नहीं आ सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंटर हो चुके हैं। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। ये बात था साइम। अभी ये इनका बास्केटबॉल ग्राउंड, ठीक है। आगे वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है सामने, वो नीचे है टेनिस कोर्ट है वहाँ नीचे, वो उस साइड। अच्छा, तो बाकी यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी लग रही है। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर सीन हुआ आज टाइम से फ्री हो गए उस साइड भी चलेंगे। लेकिन जिस टाइम लोगों की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये टेबल टेनिस है इस साइड नीचे। सैम गेम कब होगी इधर? तो अभी ये 9-10 बजे शुरू होगा सब कुछ। ये ऑफिस है ना? अच्छा, यहाँ से ऑफिस है, यहाँ से रैकेट्स वगैरह यहाँ से मिलेंगे। ये टेबल टेनिस का कोर्ट हो गया, टेनिस का कोर्ट, बैडमिंटन का। बाकी स्टूडेंट्स वगैरह सारे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर तो इंटर हो चुके हैं। अभी हम पहले बैक गेट पे थे, अभी फ्रंट गेट में आए। गेट नंबर 1 इनका कॉन्सर्ट्स का मेन गेट, जहाँ पे हम साइड पे गार्डन है इस जगह खड़े हैं, आप देख रहे होंगे। वहाँ से सारे स्टूडेंट्स लाइन बन के जा रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, और मैं और सैम यूनिवर्सिटी का विज़िट कर रहे हैं। सैम मस्जिद है। अच्छा, इस चेक करें, गेट के साथ इंटर होते ही मस्जिद इनकी आ जाती है यूनिवर्सिटी की। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जुमा भी यहाँ पे होता है, जुमे वाला दिन नमाज के टाइम चेक कराएंगे मस्जिद अंदर। हाँ, जो अगर जोर की हम नमाज के टाइम हम इधर हुए तो इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी की मस्जिद ज़रूर विज़िट करवाएंगे। बाकी साहिब बताओ साइड बिल्डिंग्स ये कौन कौन सी हैं? आगे साथ साथ देखते हैं, आगे चलते हैं। बैग इधर, बैग वहाँ हमने साइड पर रखा है, बैग उठाओ और फिर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से। उस साइड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी ये सीन है, सैम मुझे आगे भी बता रहा था कि किसी की नज़र में नहीं आना, अगर किसी की नज़र में आ जाओगे वो कार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कार्ड पूछेंगे, तो कार्ड मेरे पास है नहीं अभी। अच्छा, सिर्फ गेट पे, सिर्फ कोई नहीं पूछता। अभी इसी मॉल हो गया सारा, कुछ भी नहीं कह सकता। अब भाई अपनी यूनिवर्सिटी है, 6 सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ,
सबसे सीनियर हूँ। एट सेमेस्टर होते हैं सिक्स होते हैं आपके? एट सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ और सबसे सीनियर हूँ। अभी चलते हैं आगे सैम साहब के साथ। सैम भाई आप कौन से डिपार्टमेंट के? वो आगे बिल्डिंग आएगी तब बताऊंगा, अभी ये सामने इंजीनियरिंग वाले डबल ई ये फर्स्ट जो बिल्डिंग है फिजिक्स वालों ये एक ही है कि अलग 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 डिपार्टमेंट है? ये सारे एक ही। आपके डिपार्टमेंट किस साइड से हैं भाई? उस तरफ है। चलो साइड चलते हैं ना। अच्छा सैम भाई भी हम आपके डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये इसके बाहर खड़े हैं। ठीक है, एंटर हो गए आप, हम आपके पीछे भी जाते हैं। मैं वॉशरूम्स में आ गई, अब ये हालात रह गए हमारे। बाकी यहाँ से क्या व्यू आ रहा है सैम भी आपके डिपार्टमेंट का? बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारी तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी टॉप क्लास की है। क्या इशू था वो क्लियर करवाने के लिए सर नहीं बैठे, यहाँ बैठते हैं वो आएंगे तो फिर फी का इशू हल होगा। ना लाइब्रेरी में इंटर हो सकते हैं जब तक हमारे पास कार्ड ना हो। कार्ड होगा तो हम इंटर होंगे। ये अंदर जाने नहीं देंगे? अंदर जाने नहीं देंगे, सिर्फ मैं जा सकता हूँ, कार्ड मेरे पास है। कार्ड आपके पास है, चलो देखते हैं। बाकी डिपार्टमेंट इधर है, एक काम कर रहे हैं हम आपको भेजते हैं अंदर। ठीक है, आप बस वीडियो बना के आ जाओ। ठीक है ठीक है, मैं फिर किधर वेट करूँ आपका? मैं इधर बाहर वेट करूँ, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है, आप जाओ वीडियो ऑन करके चले जाओ, वीडियो वगैरह बना के फिर आप वापस आ जाओ। तो कार्ड चेक कराओ यूनिवर्सिटी का, अपनी सैम यूनिवर्सिटी का आप कार्ड चेक करें। लाइब्रेरी की वीडियो यार, मैं आगे देख रहा था घड़ी काफ़ी बड़ी लगी है लेकिन चल नहीं रही, ये आपको भी नज़र आ रही होगी। तो सैम भाई इधर आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे अपनी यूनिवर्सिटी का मेरे पास कार्ड पड़ा है, रूट सही भी भाई का, इस पर चेक कर रहे हैं। इसमें देखें, मैं ऑर्डन यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शहर में इंटर हो सकता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंटर हो सकता हूँ, बीटेक यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकता हूँ, पियर्सन यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकता हूँ, लेकिन एक होम स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं अपने कार्ड पर इंटर नहीं हो सकता। बस पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। सुबह सुबह का टाइम है और गार्डन को पानी दिया जा रहा है। तो बाकी भी कैफे की तरफ जा रहे हैं, तो भी आपको दिखाते हैं क्या सीन बन रहा है कैफे की तरफ। उस साइड भी जाएंगे सैम भाई, कैफे की किस साइड है? वो सामने कैफे है, ये मेडिकल है, इधर ऊपर मेडिकल, एम्बुलेंस खड़ी है, कोई भी एमरजेंसी हो जाए एम्बुलेंस फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। इस साइड एम्बुलेंस और इनका हॉस्पिटल भी है। बाकी अभी कैफे वाली साइड जा रहे हैं।
अब टेनिस की तरफ जा रहे हैं, सख्त थक गए क्योंकि गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद अभी देखते हैं कि टेबल टेनिस के ओपन हुआ है कि नहीं, अगर ओपन हो गया तो उस साइड चार। क्या हाल है जी? ठीक है। गार्ड चेकिंग वाले गार्ड आए, लेकिन उनको क्या पता भाई हम स्टूडेंट नहीं हैं। लेकिन मोबाइल पकड़ने वाला हमारा कोई नहीं था। साइम भाई की यूनिवर्सिटी में जिम भी है। साइम भाई आप जिम तो लगाते नहीं हो, बॉडी आपकी बनी नहीं है कभी कभी। तो अभी जिम की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ सीन है जिम के अंदर। जी जिम से बाहर रहे हैं, जिम बिल्कुल लाइब्रेरी के नीचे है जी। हमें भी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मिले हैं जो कि यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या वजह बनी, यूनिवर्सिटी का माहौल भी पूछते हैं। एक फर्स्ट स्टूडेंट है जिनसे बात करने लगे, से पहले एक दो से बात करने की कोशिश की, काफ़ी सीरियस थे ये भाई, हमें बहुत अच्छे लगे और शुगर वगैरह सही लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से भाईजान? भाईजान आप कहाँ से आए पढ़ने के लिए? यूनिवर्सिटी मुल्तान से आए। मुल्तान से आए, तो अभी आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आप इस बारे में हमें बताएं। इतने दूर से आप पढ़ने भी आएँ और एक सेमेस्टर करके छोड़ के जा रहे हैं? मैं फिर पढ़ने आया था, मैंने बी एस मैथ में एडमिशन लिया। बी एस मैथ में फिर मैंने पहला सेमेस्टर गुजार दिया। फिर मेरे जो भाई लोग हैं वो कह रहे थे कि मैथ को छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो, क्योंकि मेरे दो तीन कज़न और भी हैं ना, उन लोगों ने भी मैथ किया हुआ है। वो घर में ऐसे फारिग हो रहे हैं, वो कह रहे थे कि आप भी आ जाओगे घर, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, एक सेमेस्टर ही गुजरा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है मेरा भाई भी एमएस मैथ करके वैसे ही घूमेगा। यही बात है, यही बात। तो आगे क्या प्लान है, आगे क्या? मैंने अभी सीएस करना है, सीएस कंप्यूटर साइंस, इसी यूनिवर्सिटी में करेंगे? इसी में नहीं करना, इसमें एडमिशन भी नहीं होगा, पहली बात तो ये है। और एडमिशन क्यों नहीं होगा? इनका मैथ जो है 90 पे है। हाँ, हमारे इतने नंबर नहीं, हमारे 70% नंबर है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं? मैं इकरा में जा रहा हूँ। इकरा, अच्छा, आपने एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में गुजारा है, आप ये बताएं कि क्या माहौल मिला है आपको? माशाल्लाह माहौल, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। बस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या सेमी गवर्नमेंट है इसमें, और यूनि को छोड़ने को ऐसे दिल भी नहीं कर रहा है, खासतौर पर अपने क्लास वाले स्टूडेंट हो गए, टीचर्स हो गए, दिल लगी होगी, दिल लगी होगी इनसे। हाँ, तो बाकी टीचर्स कंपेरेटिव हैं आपके साथ? टीचर सारा बाकी। अगर कोई अच्छी एक बात बताना चाहें आप यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या आपका जो टाइम गुजरा उसमें कोई अच्छा टाइम? यार बिल्कुल पता नहीं चला कैसे गुजर गया, ऐसे जब सोते हैं ना सुबह उठते हैं ऐसे 4 महीने। चले ठीक है भाई जान, आप अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। कोई कितना बिल बना है साइम चीज़ों का? 240 ठीक मिली है फिर तो यार। नमाज का टाइम हो गया था तो मस्जिद की तरफ आए। सामने मस्जिद है, वहाँ से नमाज पढ़ के बाहर आए। अभी सीन है घर जाने का, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह विजिट कर लिया सारा, एक जगह घूम चुके हैं,
तो अभी श्रीनगर जाने का, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने का भी वही तरीका है, बस में बैठो और बाहर निकल जाओ, कोई नहीं पूछेगा। तो अभी कितने बजे बस जाएगी साईं? ढाई बजे दो हो गए, दो हो गए, ढाई बजे बस जाएगी, अभी उस साइड चलते हैं। अगर बाकी भी बसेस के पास आ चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अभी 10-15 मिनट हैं, उसके बाद फिर अपने घर की तरफ। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।